हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विथ माय नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों से बात करी थी इम्पॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड की, जिसमें से हम फर्स्ट स्टेप कर चुके थे वेयर आई टोल्ड यू ऑल दैट कि फर्स्ट स्टेप फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड इज वी नीड टू चेंज आवर फोकस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप, वी डिड इट इन द लास्ट वीडियो। नाउ आज की वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, प्रोकास्टिनेशन, दैट इज़ अपने काम को डिले करना। बचपन से हम सब लोग सुनते आ रहे हैं ये मुहावरा, बड़ा ही फेमस है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय बीत जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। वी ऑल नो दैट आफ्टर डिलेइंग अ टास्क द ओनली थिंग वी डू इज रिग्रेट, बट स्टिल नन ऑफ अस आर इम्यून टू प्रोकास्टिनेशन। हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग थोड़ा कम करते हैं। और ये जो हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन है, इट एक्चुअली फटीग्स यू मच मोर देन द एफर्ट्स इट टेक्स इन कम्प्लीटिंग अ टास्क, बिकॉज वेन यू कम्प्लीट योर टास्क ना, it gives you so much of energy, and when there is an incomplete task it actually sucks a lot of energy, or at the end procrastination leads to the negative attitude। so is video mein aaj main aap logon ko sabse pehle scientific tarike se bataungi ki procrastination ko hum kis tarike se kam kar sakte hain apni life ke andar। so according to I think Pierre Steele in his book The Procrastination Equation, he defined motivation is equal to expectancy into value divided by impulsivity into delay। Don't get confused, just make a note of it। एक बार लिखिए इसको, motivation is equal to expectancy into value divided by impulsivity into delay। अब इनमें पांचों टर्म्स का, मोटिवेशन, एक्सपेक्टेंसी, वैल्यू, इम्पल्सिविटी एंड डिले, मैं आपको पहले मतलब समझाती हूँ। मोटिवेशन क्या है? विलिंगनेस टू डू एनी टास्क, एंड इट इज़ जस्ट अपोजिट टू प्रोकास्टिनेशन। अगर आप किसी भी काम को करने में मोटिवेटेड हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है या आउट एक्सट्रिंसिक कोई मोटिवेशन है, आप उस काम को यूजुअली डिले नहीं करते, आप उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देन सेकेंड थिंग इज़ योर एक्सपेक्टेंसी। अब एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आप उस टास्क को कंप्लीट करके कितना सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम सक्सेस और रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, उतने ज़्यादा हम मोटिवेटेड होते हैं और उतना ही कम हमारी प्रोकास्टिनेशन होती है और उतना ही कम हम उस काम को डिले करते हैं। द थर्ड टर्म वॉज वैल्यू। वैल्यू मतलब उस काम को करने में हम कितना इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप उस टास्क को और उस रिवॉर्ड जो उस टास्क को करने के बाद आपको मिल रहा है उसको हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो उससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हमारी प्रोकास्टिनेशन कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट वॉज द इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब है आपकी टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द डिफरेंट डिस्ट्रैक्टर्स। और क्या है वो डिस्ट्रैक्टर्स हमारे आज के टाइम में? योर इंस्टाग्राम, योर सोशल मीडिया, योर मोबाइल फोन्स, योर टीवी, योर फ्रेंड्स, तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं इम्पल्सिविटी, जो इम्पल्सिविटी को कैटर करती हैं। एंड द लास्ट वॉज द डिले। इट इज़ द टाइम लैप अनटिल यू रिसीव द रिवॉर्ड। जितना ज़्यादा टाइम गैप होता है, जितना ज़्यादा डिले होता है, तो हम उस काम को ना करने का कोई और बहाना ढूंढ लेते हैं कि चलो हम इसको बाद में करेंगे, तो हमें अपने डिले को कम करना होता है। तो आई थिंक अब पांचों मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इक्वेशन क्या कह रही थी कि जो मोटिवेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेक्टेंसी एंड वैल्यू, तो इसलिए हमें मैक्सिमाइज करना होगा अपनी एक्सपेक्टेंसी और वैल्यूज़ को, और प्रोकास्टिनेशन को कम करने के लिए दैट इज़ मोटिवेशन से जो नेगेटिवली प्रोपोर्शनल है वो है आपकी इम्पल्सिविटी और डिले, जिसको हमें मिनिमाइज करना होगा सो दैट वी स्टे मोटिवेटेड टू डू दैट टास्क। अब हाउ वी कैन डू दैट, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच आई विल बी टेलिंग यू ऑफ डूइंग दैट टास्क। सो उसके अंदर द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज
break the larger task into the smaller task. It is very important. By doing so, what we will do? We will increase our expectancy. हमारी expectancy बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि छोटे task को करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और reward हमें थोड़ा जल्दी जल्दी मिलता है और हम ज़्यादा motivate हो जाते हैं उस task को complete करने के लिए और उसको हम delay नहीं करते हैं उस task को. So how we can do that? I think the method which I have adopted and it has always worked for me is breaking my timetable. बहुत ही अच्छे से अपने timetable को बनाना और उसको break करना smaller task के अंदर. मैं बहुत ही आपको छोटा example देती हूँ. For example, एक महीने बाद आपका exam है किसी भी subject का. मान लो chemistry का subject है जिसमें आपको 10 units आपको complete करनी है. So you divide those 30 days में आप अपनी 10 यूनिट कैसे कंप्लीट करोगे. तो रफली इफ आई टेल यू 3 दिन मिलते हैं आपको एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए. देन मंथली टाइम टेबल बनाने के बाद आप अपना डेली का टाइम शेड्यूल बनाइए. उसमें मैं कैसे करूँगी? फॉर एग्जांपल फॉर वन चैप्टर इफ आई हैव 3 days, फर्स्ट डे व्हाट आई यूज टू डू कि फर्स्ट डे आई विल रीड द चैप्टर एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट चैप्टर प्रॉपरली. सेकेंड डे आई विल मेक ऑल माई हैंड रिटन नोट्स, मैं अच्छे से पूरे का पूरा चैप्टर लिख लूंगी. थर्ड डे आई विल लर्न इट एंड आई विल रिवाइज इट. दिस इज हाउ. तो देखिए, तो कोई भी काम आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसको शुरू करना. ठीक है, शुरू क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आपको लगता है माई गॉड 10 चैप्टर करने हैं, आज नहीं मैं कल करता हूँ. एंड बट वंस यू स्टार्ट थिंकिंग दैट टुडे आई जस्ट हैव टू रीड दिस वन चैप्टर एंड आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. एंड सेकेंड डे वेन यू जस्ट स्टार्ट थिंक कि आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आई जस्ट नीड टू मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो इट इज़ सो सेटिस्फाइंग कि आपको फटाफट सक्सेस मिलती है उस काम को पूरा करने के लिए और यू फील रिवॉर्डेड ऑल्सो. सो That is, I think, the best way to increase your expectancy. आप अपनी expectancy को इससे increase कर सकते हैं जिससे आपकी motivation बढ़ेगी और आपकी procrastination कम हो जाएगी उसको delay करने के लिए. Now, the third thing is, the hardest thing is to start a task. I know so many people जिनको बीमारी है paralysis of analysis की. उनको अगर मैं कोई भी काम अगर आप उनको दे दो कि when will you do it, right now I'm thinking, I'm analyzing, maybe I'm waiting for the right opportunity, और ऐसे वेट करते करते ना 6 महीने या साल निकल जाता है और वो right opportunity कभी नहीं आती और वो analyze भी नहीं कर पाते हैं. So I think today is the right time to start anything. Please, आपके subconscious mind के अंदर keep practicing it all the time. I will do it today. Please make the notes and paste it. All the students, you all paste it in your rooms. I used to do it. Even the timetables also, whichever I used to make it, मैं उसको अपनी दीवार पे लगा लेती थी कि आज का मेरा इतना हो गया and I used to put a tick mark on that. तो बड़ा satisfying और gratifying लगता है that I have completed this task. Now I come to the next task that I have completed this task. Similarly, do it now. आओ इसको इतना प्रैक्टिस करो अपना सेल्फ टॉक के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू कि येस आई हैव टू डू इट नाउ, देर इज़ नो अदर ऑप्शन. प्रैक्टिस इट सो दैट इट बिकम्स योर हैबिट एंड इट गोज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड एवरी टाइम व्हेन अ टास्क कम यू जस्ट थिंक दैट मुझे ये आज ही करना है. एक बड़ी फेमस स्टोरी है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, जिसमें है कि व्हेन आई विल बिकम अ बिग बॉय. तो उसमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है और वो क्या सोचता है कि व्हेन आई विल बिकम अ बिग बॉय आई विल डू दिस एंड आई विल बिकम हैप्पी. तो वो बिग बॉय बन जाता है. तो बिग बॉय बनने के बाद उसको लगता है कि व्हेन आई विल कंप्लीट माय कॉलेज आई विल डू दिस एंड आई विल बिकम हैप्पी. कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है. कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उसको क्या लगता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय कॉलेज नहीं, मेरे को अपनी पहली अच्छी जॉब मिल जाए, वंस आई विल गेट सेटल्ड इन माय जॉब, फिर उसके बाद मैं ये वाला काम करूँगा एंड देन आई विल बिकम हैप्पी. वो भी हो जाता है, जॉब भी मिल जाती है. देन ही थिंक्स कि वंस आई विल गेट मैरिड, मैं अपनी थोड़ी लाइफ सेटल कर लूँ, उसके बाद आई विल डू दिस एंड आई विल बिकम हैप्पी. एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड दे थिंक ओ माई गॉड दिस इज़ वट आई वॉज वेटिंग फॉर. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है एंड देन द किड्स कम इन योर लाइफ, उसके बाद और आपकी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कॉम्प्लिकेट हो जाती है. फिर आपको लगता है कि एक बार मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, आस्क योर पेरेंट्स, उनको लगता है कि बच्चे सेटल हो जाएं, उसके बाद आई विल डू दिस एंड देन आई विल बिकम हैप्पी. बच्चे भी सेटल हो जाते हैं सबके, देन दे थिंक इट कि वंस आई विल गेट रिटायर, उसके बाद मैं ज़िंदगी जीना शुरू करूँगा, फिर मेरे पास कोई
रिटायरमेंट भी हो जाती है और ऐसे करते करते हमारी आंखों के सामने से हमारी ज़िंदगी निकल जाती है. सो दैट इज़ व्हाट आई टेल यू, इफ़ देयर इज़ एनी राइट टाइम टू डू अ टास्क इज़ राइट नाउ. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट राइट नाउ. स्टार्ट सेइंग इट टू योर सेल्फ राइट नाउ. इफ आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी, आई वॉन्ट टू बिकम हैप्पी, इट इज़ दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट. स्टार्ट डूइंग इट. सो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इतना प्रैक्टिस करो दैट इट बिकम्स योर हैबिट, दैट इट गोज़ टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट बिकम्स योर हैबिट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ योर सेट योर गोल्स लिटल लोअर. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे योगा प्रैक्टिस करनी थी ना या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी थी, मुझे लगता था कि मैं ना 15-20 मिनट डेली बैठ के मेडिटेट करूँगी और उसके बाद ऐसा हो ही नहीं पाता, टाइम नहीं मिलता. फिर मैंने अपने गोल्स को लोअर किया. मैंने कहाँ से शुरू किया कि मुझे योगा अगर करनी है ना तो सुबह उठ के एक घंटा नहीं, मुझे सिर्फ पूरे दिन में 5 सूर्य नमस्कार करने हैं, दिस इज़ माई टारगेट, और 2 मिनट मेडिटेट करना है. सो आई लोवर्ड इट. उसके बाद क्या हुआ एंड रिजल्ट, कि मेरी एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई. क्यों? क्योंकि मैं उस टास्क को करके इंजॉय कर रही थी और मैं कर पा रही थी. बिकॉज डेली 5 सूर्य नमस्कार करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट एक घंटा निकालना बड़ा मुश्किल था. बट जब मैं 5 सूर्य नमस्कार करने के लिए जाने लगी, वो अपने आप आधा घंटा एक्सटेंड हो जाती है. वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है. सो दिस इज़ व्हाट यू ऑल कैन डू इट ऑल्सो वेन एवर इट इज़ देयर. थोड़ा अपने टाइम टेबल को इतना क्लच मत कर दो कि आपको समझ में ही ना आए कि मतलब ये तो मेरे से पूरा ही नहीं हो रहा है. टेक अ ब्रीदिंग स्पेस इन दैट, लोअर योर गोल्स, अचीव दोज गोल्स एंड देन मूव अहेड. इससे आप लोगों को और मोटिवेशन मिलती है, एक्सपेक्टेंसी को आप और ज़्यादा हाई कर देते हो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो और अपनी प्रोकास्टिनेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच विल इंक्रीज द वैल्यू इज वॉट, स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ आफ्टर कम्प्लीटिंग योर टास्क. इट कैन बी इन एनी फॉर्म विच यू लाइक. और टास्क को इन्जॉय करना शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बच्चों को मैथ्स करना अच्छा नहीं लगता, दैट्स नॉट देयर कप ऑफ टी, या कोई और चीज़ है, आप उसको किसी अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना शुरू कर दो. सो दैट वेन दे आर एक्सप्लेनिंग इट टू यू, आपको वो ज़्यादा इन्जॉय उस चीज़ को करने में आप ज़्यादा है. या अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक सुन लो वाइल डूइंग मैथ्स, तो उससे भी आई थिंक कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा बन जाती है और आप यू स्टार्ट इन्जॉइंग दैट थिंग अ लिटल मोर. सो आपको क्या करना है, इससे हम अपनी टास्क की वैल्यू बढ़ा सकते हैं. सो मेक योर टास्क लिटल बिट मोर इंटरेस्टिंग. द वे आई डू इट, मुझे अपना जो वर्किंग स्पेस है ना, आई रियली नीड इट टू बी अ वेरी ऑर्गेनाइज. सो वेन एवर आई सिट देयर, आई गेट दैट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दैट एंड आई रियली इंजॉय वर्किंग ओवर देयर. तो आप अपने वर्किंग स्पेस पे काम कर सकते हो, म्यूजिक के ऊपर कुछ काम कर सकते हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ले सकते हो. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क आई स्पीक टू माई गर्लफ्रेंड, आई स्पीक टू माई बॉयफ्रेंड, और उसके बाद आप कोई भी, आई हैव अ हेल्दी मील कि आज मैं ये खाना खा लूँगा अच्छा, और आई वॉच दिस प्रोग्राम, बी इट एनी. सो गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टास्क. उससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी उस टास्क को करने की. यू स्टार्ट इंजॉइंग दैट टास्क. सो इससे आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो. नेक्स्ट इज, एक ये जो आइडिया होता है ना कि इस टास्क को यू नो आई कैन कंप्लीट इट लेटर, ये इट्सेल्फ इज सो क्रशिंग फॉर द मोस्ट प्रोडक्टिव इंडिविजुअल ऑल्सो. कोई भी अगर टास्क है, इफ़ यू नो दैट इज़ फॉर हाफ एन आवर ओनली, प्लीज़ डिवोट दैट हाफ एन आवर ओनली. इफ़ यू डिवोटेड द टू आवर्स फॉर दैट टास्क, तो एट द एंड हम 2 घंटे ही लगाएंगे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सो आपको क्या करना है, जितने टाइम की वो टास्क है उसको उतना ही टाइम देना है. तो इससे हम अपने डिले को कम कर सकते हैं. सो टास्क को उतना ही टाइम दो जितना इसमें, ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर प्रेशर कर लो. जस्ट थिंक रैशनली और गिव द स्पेसिफिक टाइम लिमिट ओनली एंड ट्राई टू कम्प्लीट दैट टास्क विद इन दैट टाइम ओनली. आधे घंटे के टास्क को 2 घंटे दोगे तो आप 2 घंटे ही लोगे, जिससे हमारा डिले बढ़ जाता है और हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है और हमें लगता है इस काम को हम बाद में कर लेंगे. फाइन. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज योर रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शन. स्टडिंग एनवायरमेंट,
working environment should be free from any kind of distraction, and we all know the biggest distraction these days is our mobile phone. The notification popping up from your Facebook, from your Instagram, from your social media accounts, from your mails and the WhatsApp, ये बहुत ज़्यादा distracting हो जाती है. तो इसका एक ही तरीका है, या तो आप उसको airplane mode में कर दो, या hand off your mobile to your mother for 2 hours कि मम्मा ये 2 घंटे प्लीज आप मुझे वापस मत देना अभी, लेट मी स्टडी. मेक योर वर्किंग एनवायरनमेंट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन. अगर घर के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस आती है, भाई आ जाते हैं, बहन आ जाती है, मम्मा आ जाती है ऑल द टाइम, बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, ऑल द टाइम ऑन योर हेड, प्लीज टेक सम टाइम ब्रेक एंड गो टू द लाइब्रेरी, द बेस्ट थिंग. आई एम फ्रॉम द स्पोर्ट्स, मेरे को कभी नहीं लगता था मैं लाइब्रेरी में पढ़ पाऊंगी, बट फॉर माई मास्टर्स मैंने सच में लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू किया एंड माई प्रोडक्टिविटी ऑल टुगेदर इंक्रीज्ड सो मच. व्हेन यू सी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टडिंग ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, ओ माई गॉड वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है. सो लाइब्रेरी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोस्त जिनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, एंड द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इम्पल्सिविटी को जो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है इज़ योर मोबाइल फ़ोन. कीप इट असाइड, बिल्कुल साइड में रख दीजिए. दैट्स द ओनली वे यू कैन रिड्यूस योर इम्पल्सिविटी. यू विल स्टे मोर मोटिवेटेड, और आपका डिले करना या प्रोकास्टिनेट होना, उस काम को डिले करना अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. आई थिंक आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, जस्ट बियर विद मी फॉर अनदर 2 मिनट्स. लास्ट थिंग इज, वट इज योर, जो भी मैंने आज आपकी बातें बताई हैं वो मेरे लिए, मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, व्हेन आई रेड इट, इट अप्लाइज ऑन मी, इट माइट नॉट अप्लाई ऑन यू. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से मेथड, कौन सी चीज़ें आप पे अप्लाई करेंगे, बट जो बेसिक है ना उसको ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड. अगर आपको प्रोकास्टिनेशन को कम करना है तो आपको उसके लिए मोटिवेटेड रहना पड़ेगा उस काम को करने के लिए. और मोटिवेटेड आप कैसे रहेंगे, जब आप अपनी एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देंगे कि उस काम को करने का सक्सेस जल्दी मिल रही है, और उसको करने में वैल्यू बढ़ा देंगे, इंजॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, हम अपनी इम्पल्सिविटी और डिस्ट्रैक्शंस कम कर देंगे, और उस काम को करने का जो डिले रिवॉर्ड है उसको अगर हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे काम को, वो प्रोकास्टिनेशन की जो हमारी हैबिट है वो कम हो जाएगी. सो दिस इज बेसिकली द साइंस. आराम से बैठ के जस्ट राइट इट, आप दोबारा से इस वीडियो को सुन लीजिए, देन यू विल रियलाइज इट, यस वी ऑल कैन डू इट. सो अकॉर्डिंग टू यू, आपके लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको लागू करते हैं, प्लीज ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ दैट. सिट डाउन टूडे एंड at the end, what is the right time? Today is the right time to do it. So whenever you, आज बैठ के अपना पूरा 1 महीने या 2 महीने का, जब भी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं या कोई भी प्रोजेक्ट है उसका टाइम टेबल बनाइए, उसको डिवाइड कीजिए खूबसूरती से अपने छोटी छोटी स्मॉलर टास्क के बाद. अचीव दैट स्मॉल टास्क, रिवॉर्ड योर सेल्फ समथिंग गुड, एंड इम्पल्सिविटी डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए. आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू, थोड़ा तो ज़रूर कम कर पाएंगे अपनी प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को. थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो और मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाई हूँ स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि अपनी ये जो बहुत ही बुरी आदत है, नेगेटिविटी मतलब लाती है हमारी लाइफ के अंदर प्रोकास्टिनेशन, जस्ट ट्राई टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल. एट द एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, एंड येस Today is the time to start it. तो आज ही हम करेंगे, हम इसको डिले और नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड विद यू ऑल. थैंक यू.